हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन को। मेंसुरेशन जो मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसको आपने अपने दिमागी ख्यालात के थ्रू हार्ड बना रखा है। ये यूँ बोल सकते हैं कि कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको होने चाहिए मेंसुरेशन पढ़ने से पहले, वो कहीं ना कहीं आपका लैक कर रहा है, जिसकी वजह अगर आपको ये पूरा ब्रांच ही हार्ड लगता है। आपके सिलेबस में बेसिकली 4-5 चैप्टर है, जैसे क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, स्फेयर है, और आपके पास कोन है, और एक आपका आता है मिक्स्ड करके एक चैप्टर है। ये 4 चैप्टर्स आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है, जो आपको काफ़ी टफ लगते हैं। उसका सिंपल रीजन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने सोच लिया कि ये टफ है, या मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, वो आपका नहीं होता है, छूटा हुआ रहता है। तो आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो मेंसुरेशन पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, या यूँ कह सकते हैं कि उन्हीं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक पॉइंट्स से मिल करके इन मेंसुरेशन को खड़ा करके रखा है। अगर उन बेसिक पॉइंट्स को हम निकाल देते हैं मेंसुरेशन के चैप्टर से, तो मेंसुरेशन रहेगा ही नहीं, वो कुछ और बन जाएगा। क्या बनेगा मुझे नहीं पता, बट मेंसुरेशन नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी। तो चलिए बिना किसी इंतजार के उन्हीं चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको करना है एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालना है, अपनी काहली को उठाकर एक किनारे पटक देना है। सो मेरा नाम है आमिर, एंड यू गाइस आर वेलकम अगेन टू माय चैनल मॉडर्न पढ़ाई। देखिए, तो मेंसुरेशन हम लोग सिंपली इसको बोलते हैं, ये मैथ का एक ऐसा ब्रांच है, ठीक है, ये मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जो किससे डील करता है, जो फिगर्स, जो ज्योमेट्रिक फिगर्स से डील करता है आपका, ज्योमेट्रिक फिगर्स। अब ज्योमेट्रिक फिगर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, आपको पता है हमारे पास ट्रायंगल भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, रेक्टेंगल है, बनाने का हम बहुत सारा बना सकते हैं। हम बनाने का स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर है हमारे पास, क्यूब भी उसी में आता है, ठीक बात है, क्यूब आता है उसमें। अभी जल्दबाजी बना रहा तो ध्यान मत देना कि सर कितना घटिया बना रहा है ना, ऐसे तुम इन सब चीज़ों बहुत जल्दी ध्यान देते हो, जल्दी से बन रहे, हाँ सर ठीक कितना गंदा बना दिया है ना, ऐसा मैं बहुत चीज़ों को पता मुझे। तो ट्रायंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब है, क्यूबॉइड, ये सारे बहुत सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स बनाने का हम बना सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक फिगर्स के ऊपर बहुत सारी स्टडीज की जाती है, तो मेंसुरेशन एक ऐसा ब्रांच है जो ज्योमेट्रिक फिगर्स के ऊपर बहुत सारी स्टडीज की जाती है। तो मेंसुरेशन एक ऐसा ब्रांच है जो ज्योमेट्रिक फिगर से किन किन चीज़ों को रिलेट करता है। ये ज्योमेट्रिक फिगर के आपका लेंथ के बारे में बात करता है, एक लाइन में बोल तो डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस हमारे पास हैं बेसिकली आपके सिलेबस में, डायमेंशंस के अलावा और भी हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 डायमेंशंस के बारे में। मतलब कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर हम उठाते हैं तो उसका लेंथ के बारे में बात करेगा, उसके हाइट के बारे में, उसके बेस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में वो नॉलेज देगा। फिर वो आपका लेके चलेगा एरिया का नॉलेज देगा आपको, फिर आपको वॉल्यूम का नॉलेज देगा, ये सारी चीज़ें। और हम ले सकते हैं तो क्या ले सकते हैं, सर्कमफ्रेंस तो सर्कल के केस में सिर्फ आता है, पेरीमीटर ले सकते हैं हम लोग, पेरीमीटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगा, और भी हो सकता है कुछ भी आपका। तो ये बेसिक टर्म्स है जो मेंसुरेशन में आप पढ़ते हैं, मतलब कोई भी एक ज्योमेट्रिक फिगर आप लेते हैं तो उस ज्योमेट्रिक फिगर के बारे में आपको इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मेंसुरेशन में पढ़ना है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। तो हार्ड है, अभी सोच के बोलूँ, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर सब हार्ड है, नहीं है। अच्छा, जब 100 चीज़ों को समझते हैं कि एरिया हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसे मुझे पता है कि आपको मालूम होगा, फिर भी एक बार हम बताने की कोशिश करते हैं, हो सकता है बहुत किसी को ना मालूम हो। तो एरिया हम सिंपली बोल सकते हैं कि कितना रीजन कोई कवर करता है आपका किसी भी प्लेन पर, रीजन कवर्ड ऑन ए प्लेन, मतलब एक प्लेन है या कोई भी आप सरफेस समझ लो, कोई एक सरफेस है उसके ऊपर आपने किसी चीज़ को रखा है, तो वो चीज़ उस सरफेस पे कितना जगह ले रहा है उसी को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं एरिया। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको हटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटाते हैं इसको। देखो, जैसे एक बुक है मेरे पास, ये आपका ये एक बुक है, इस बुक को, ये बोर्ड एक सरफेस है आपका, ठीक है, इसको सरफेस समझते हैं, उसके ऊपर मैं इस बुक को रखता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि भाई ये जो चचा है हमारा किताब, इसने इस बोर्ड के ऊपर कितना जगह ले रखा है, इसने मतलब बोर्ड में कितना, तो आपको सिंपली दिख रहा होगा कि ये जो जगह है, मैं यहाँ मार्कर से मार्क करता हूँ, समझ में आएगा आपको। अरे चल न चचा, काहे भाव खाता है, हटाते इसको, तो आपको एक ये समझ में आएगा कि इतना जगह वो किताब लेके था। सिंपल सा बात है, बोर्ड इतना बड़ा था, बोर्ड को छोड़ो, बोर्ड में इतना जो जगह था, इतना जो इलाका था, इस इलाके को, इस रीजन को किसने कवर कर रखा था, इस बुक ने कवर कर रखा था। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो रीजन है, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ, जिस डब्बे के अंदर आ रहा है आपका, ये वाला इलाका किसने कवर कर रखा था, भाई उस किताब ने सिंपली कवर कर रखा था। सिंपल है, यही हमारा एरिया होता है, किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ कितना जगह ले रहा है, कितना जगह तक कब्जा जमा है, जमा के रखा है, वो हमारा सिंपली एरिया हो जाता है। इसके बाद हम अगर वॉल्यूम की बात करते हैं,
तो वॉल्यूम समझने के लिए हम थोड़ा सा मोटा किताब लेते हैं, ये चलेगा, इसको यहाँ रखते हैं। वॉल्यूम हम लोग सिंपली बोलते हैं कि स्पेस में हमने कितना जगह ले रखा है, स्पेस में हमने कितना, जैसे इसको देखो, इस किताब को, तो इसका तो ये बेस है नीचे, ये हम लोग एरिया बोल सकते हैं, ये जो शेप आपका ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप का नीचे एरिया बना रहा है आपका। आइए आप देख सकते हो ये हाइट है इसकी, इतना ये हाइट जा रहा है एरिया और ये हाइट, तो एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैथमेटिकली हमको वॉल्यूम मिलता है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। और फॉर्मूला इसी हिसाब से बना है कि हमने सिंपल वॉल्यूम को बोलते हैं कि स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना जगह घेर लेती है, ठीक है, वो सिंपल है। तो हम इसको ला करके यहाँ रखते हैं, इसको भी ज़रा मार्क करते हैं, है कि नहीं, तो बेचारा गुस्सा हो जाएगा, उस किताब को इज्जत दी है, हमको इज्जत नहीं दी है कि नहीं। अरे चाचा तुम स्लिप बहुत कर रहे हो, रुको, इसको भी मार्क करते, देखते ये कितना एरिया ले करके जाता है, ठीक है। तो एरिया हमने मार्क कर लिया, हद नीचे में हुआ ही नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब ठीक नहीं लगता। तो एरिया हमने मार्क कर लिया, ये इतना सारा एरिया लिया था इसने, किस शेप में आया, रेक्टेंगुलर शेप में आया है। आपको पता है कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए तो, हद बोल रहे, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ था, मान लो ये लेंथ हम कुछ आपको दे देते हैं, बोल देते हैं 5 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नहीं हो गए, इतना भी घटिया मत करो, 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ हम कर देते हैं 5 सेंटीमीटर, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 50 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया इसने ले रखा था। इस पूरा बोर्ड का जितना भी स्क्वायर सेंटीमीटर का होगा उसमें से 50 स्क्वायर सेंटीमीटर इस किताब में ले लिया। अब वॉल्यूम की हम बात करें तो इसको वापस रख के देखते हैं, तो ये चाचा को हम लोग मेजरमेंट करेंगे, भाई ये तो हाइट है, देखो दिख रहा है मार्कर यहाँ पे, हम लोग देखो, ठीक है, हम यहाँ पे उंगली ये करते हैं, ये देखो ये इतना दूर आ रहा है, मतलब इतना हाइट उसने कवर कर रखा था, ये देखो इतना जो है इतना हाइट उसने कवर करा था। अब इसका कुछ तो मेजरमेंट होगा, अंदाज लगाते हैं 2 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होगा ये मेजरमेंट आपका। तो ये आया था एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर इसको हम लोग अपना अंदाज के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर हाइट से कंपेयर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 क्यूबिक मीटर, ये इस किताब का वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब अगर इस किताब को आप रखते हवा में तो ये हवा में 100 क्यूबिक मीटर गैस का वॉल्यूम को हटा देगा, क्योंकि हर जगह गैस है, इतना तो मालूम है हर जगह गैस है, तो उस एरिया में 100 क्यूबिक मीटर गैस को हटाएगा और वहाँ पे खुद आ जाएगा। यही एक्चुअल कंसेप्ट होता है वॉल्यूम का, कि कोई भी चीज़ स्पेस में यानी कि अपने आसपास की हवा को हटा करके कितना जगह ले रही है। हम यहाँ पे सिंपली खड़े हैं, आप अपने आप को देख लो, तो मैं इतना जगह ले रहा हूँ, ये मेरा वॉल्यूम है, यही चीज़ है। तो अब हर ऑब्जेक्ट का ये चीज़ तो अलग अलग होगा ना, ठीक है, इसको हटाते हैं इसको, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको पता है, ये मत कहना कि सर वो तो आप बताएं ना, तो फिर हम सुसाइड कर लेंगे, ठीक है, और सुसाइड भी कैसे करेंगे, चटाई से कूद करके, चटाई से कूद के जान दे देंगे, और लिखेंगे सुसाइड नोट में तुम लोगों का नाम। तो हमें जो पढ़ना है, जैसे हमें क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है, तो एक स्क्वायर हम बनाते हैं, उसके ऊपर एक और स्क्वायर हम बनाते हैं, ठीक है, ई का हो गया, तो रेक्टेंगल लगे, थोड़ा बड़ा कर लेते, छोड़ो हटाओ, एक स्क्वायर बनाया, उसके ऊपर हम एक और स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ख़राब हो तो नक्शा गोली मारना उसको, यहाँ से एक इसको मिलाते हैं, यहाँ से एक इसको मिलाते हैं, ये देखो इस साइड एक स्क्वायर बन गया, 3 स्क्वायर हो गया, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, 4, 5, 6 स्क्वायर टोटल इसमें होता है आपका। तो ये हमने क्यूब बनाया, अब इस क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होगा, तो इस क्यूब का देखो बेस में ये एरिया आ रहा है, नीचे वाला आदमी ये एरिया कवर कर रहा है, वो सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, ये एरिया कवर कर रहा है। और ये पूरा हम निकालेंगे, जैसे यहाँ पे क्यूब शेप का तो कुछ नहीं है, ये जो बुक है ये बुक क्यूबॉइड शेप का है। हम लोग स्क्वायर से बनाते हैं तो क्यूब बनता है, रेक्टेंगल लेके बनाते हैं तो क्यूबॉइड बनता है। इस बुक को गौर से देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम अपना होगा, हमने भी निकाला था। तो हर जियोमेट्रिकल फिगर का एरिया अलग है, वॉल्यूम अलग है, पेरीमीटर अलग है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका शेप्स अलग है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट में डिफरेंस है, इसलिए हमने हर एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक फिगर्स के लिए उनके लिए उनका एरिया का फॉर्मूला बना दिया है, क्यूबॉइड के लिए अपना बना दिया है, ठीक है, क्यूब के लिए उनका बना दिया है, कौन है तो उसके लिए बना दिया है, स्फीयर है तो उसके लिए बना दिया है। तो आपको हर एक चैप्टर में, यहाँ से अगले लेक्चर्स हमारे आएंगे, पहला लेक्चर मेरा रहेगा आपका क्यूबॉइड के ऊपर, तो क्यूबॉइड के ऊपर हम सिंपली यही बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्यूबॉइड में कितने सारे, उसका एरिया क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका पेरीमीटर क्या है, उसके डायमीटर्स क्या है, अगर उसमें डायगोनल्स है तो डायगोनल कैसे बताया जाएगा आपको, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब हम चैप्टर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो मैं यकीन दिला सकता हूँ आपको, 100% गारंटी दे सकता हूँ कि भाई वो चैप्टर आपको एकदम हल्का लगेगा, बहुत हल्का लगेगा, क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से उठा करके ऊपर लेके जाने वाला हूँ। तो इसके लिए छोटा सा काम करना, आपको चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
और क्या बोले, और पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय। गर्मी बहुत है, ध्यान रखिए अपना।